क्योंकि आपका अपना चैनल अब है नए तेवर और नए कलेवर में। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। आतंकवाद नक्सलवाद पर होता रहेगा कड़ा प्रहार, ये है मोदी की गारंटी। यकी है खुद पर, खुद पर है नाज। सुनती हूँ अपने मन की आवाज। कभी शर्मीली तो कभी हूँ जाबाज। रुकना मेरी आदत नहीं, थमना मेरी चाहत नहीं। मैं हूँ नारी, यही मेरा अंदाज। हर जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाती हूँ। वोट दे, प्राउड वोटर कहलाऊंगी। पूरे देश संग चुनाव का पर्व मनाऊंगी। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला, क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। MDH। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। RBI कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद, असली स्वाद तो MDH दही वड़ा रायता मसाले से ही आता है। नमस्कार, DD न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में विपक्ष पर लगाए गंभीर आरोप, कहा करीब 10,000 संस्थानों से SC, ST और OBC का आरक्षण छीनकर अल्पसंख्यकों को दिया गया। प्रधानमंत्री ने झारखंड के दुमका और पश्चिम बंगाल के बारासात और जाधवपुर में जनसभा को किया संबोधित, कहा इंडी गठबंधन वाले लूटते हैं गरीब और मध्यम वर्ग की कमाई, भ्रष्टाचारियों की काले धन की गंदी कमाई का निकालूंगा एक्सरे। प्रचार के रण में सभी दलों के दिग्गज, अमित शाह ओडिशा तो JP नड्डा हिमाचल में संभाल रहे हैं पार्टी की कमान। वाराणसी में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की संयुक्त रैली, प्रियंका गांधी ने हिमाचल के हमीरपुर में किया रोड शो। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ओडिशा में, तेजस्वी यादव भी बिहार में डटे। संदेश खाली में ED अधिकारियों पर हमले के मामले में बड़ी कार्रवाई, CBI ने शाहजहां शेख समेत 7 आरोपियों के खिलाफ दायर किया आरोप पत्र। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली की मंत्री आतिशी को मानहानि मामले में जारी किया समन। आतिशी और अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर लगाया था आपके विधायकों को पैसे देकर तोड़ने का आरोप, 29 जून को देना है जवाब। चक्रवात रेमल ने मचाई तबाही, मिजोरम के आइजोल में पत्थर की खदान ढह जाने से 7 लोगों की मौत। मणिपुर और असम के कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें। और दिल्ली, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, यूपी और गुजरात के लिए गर्मी का रेड अलर्ट, भयंकर लू की चेतावनी। वहीं केरल में 31 मई को दस्तक देगा मॉनसून, जून से सितंबर तक सामान्य से अधिक बारिश का पूर्वानुमान।
और आइए सबसे पहले बात करते हैं 24 की चुनौती की। पश्चिम बंगाल के बारासात में चुनावी रैली में प्रधानमंत्री ने तृणमूल और लेफ्ट को सिक्के का एक पहलू बताया। पर्दे के पीछे दोनों एक हैं, उन्होंने ये कहा। उन्होंने कहा कि टीएमसी को सच बर्दाश्त नहीं है। हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद टीएमसी जजों पर सवाल उठा रही है। वहीं वोट बैंक तुष्टिकरण के लिए टीएमसी संत समाज का भी अपमान कर रही है। टीएमसी से सच बर्दाश्त नहीं होता। जो कोई भी टीएमसी के गुनाह सामने लाता है, टीएमसी उनको टारगेट करती है। आपने भी देखा है कि टीएमसी के एमएलए ने साफ साफ कहा कि हिंदुओं को भगीरथी में बहा देंगे। इस पर बंगाल के संतों ने टीएमसी को रिक्वेस्ट की कि जरा आप अपनी गलती सुधार लीजिए, और बड़ी नम्रता से रिक्वेस्ट की, लेकिन टीएमसी ने हमारे संत समाज को ही धनाधन गालियां देना शुरू कर दी। अब रामकृष्ण मिशन, इस्कॉन, भारत सेवाश्रम संघ, ये ऐसी महान संस्थाएं हैं, दुनिया में उनकी प्रतिष्ठा है, उनके संतों को अपमानित करना, भाइयों बहनों, ये सब अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए, वोट जिहाद को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। यहां संदेश थाली की बहनों ने इंसाफ मांगा तो टीएमसी ने उनको ही टारगेट कर दिया। प्रधानमंत्री ने संविधान की दुहाई देने वाले विपक्ष से कहा कि पश्चिम बंगाल में स्थिति आकर देखनी चाहिए कि कैसे वोट बैंक की राजनीति करने के लिए ओबीसी के आरक्षण की लूट हुई है। टीएमसी और इंडी गठबंधन को आपके विकास से कोई मतलब नहीं है। इनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है अपने वोट बैंक का तुष्टिकरण। देश में संविधान संविधान संविधान, तानाशाही तानाशाही तानाशाही, ये रात दिन चिल्लाने वालों की जमात, ये जो जमात है ना, वो पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है जरा यहां आकर देखो, आपकी बोलती बंद हो जाएगी। बंगाल में टीएमसी ने ओबीसी को जो धोखा दिया, उसकी कलाई कोर्ट ने खोल दी है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा है कि 77 मुसलमान जातियों को ओबीसी घोषित करना ये गैर कानूनी है, असंवैधानिक है, संविधान के खिलाफ है। यानी टीएमसी ने लाखों ओबीसी नौजवानों का जो हक मिला था उनको संविधान ने दिया था, बाबा साहब अंबेडकर ने दिया था, देश की पार्लियामेंट ने दिया था, वो ओबीसी का जो हक था, रातों रात
ये वोट जिहाद वालों को मदद करने के लिए इन्होंने लूट लिया है। उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस, उसके बाद लेफ्ट और अब तृणमूल पश्चिम बंगाल को लूट रहे हैं, लेकिन मोदी गारंटी देता है कि जिन्होंने लूटा है उन्हें लौटाना पड़ेगा। 10 साल पहले जब आपने मुझे अवसर दिया था तो मैंने गारंटी दी थी, पूरे देश को गारंटी दी थी, न खाऊंगा न खाने दूंगा, याद है ना? मैंने केंद्रीय स्तर पर 10 साल में एक भी घोटाला नहीं होने दिया। अब मोदी देश को और पश्चिम बंगाल को खास एक और बड़ी गारंटी दे रहा है। मोदी की गारंटी है, पहले मैंने गारंटी दी थी न खाऊंगा न खाने दूंगा, अब मेरी गारंटी है जिसने खाया है उससे बाहर निकालूंगा और जिसका खाया है उसको मैं लौटाऊंगा। ये मोदी की गारंटी है। उत्तर प्रदेश के देवरिया में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संयुक्त रैली की। अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर पेपर लीक और निवेश को लेकर निशाना साधा। एक के बाद एक पेपर लीक हुए, 10 से ज्यादा पेपर लीक हो गए, न नौकरी मिली न रोजगार मिला। जो लोग कहते थे निवेश लाएंगे, लेकिन निवेश ना गोरखपुर पहुंचा ना देवरिया पहुंचा। निवेश के नाम पर हमें और आपको सपने दिखाए, नौकरियां छिन गई, आरक्षण छिन गया, और जो संस्थाएं नौकरी दे भी सकती थी, आरक्षण दे भी सकती थी, उन संस्थाओं को भी इन्होंने बेच दिया। वहीं वाराणसी में संयुक्त जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि 4 जून को भाजपा की सरकार नहीं आएगी। एक तरफ इंडिया गठबंधन और ये संविधान, और दूसरी तरफ वो लोग जो इस संविधान को रद्द करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, फेंकना चाहते हैं। बीजेपी के नेताओं ने खुलकर कहा है कि अगर हमारी सरकार आएगी हम संविधान को खत्म कर देंगे। मैं उनको कहना चाहता हूं, आपकी सरकार नहीं आएगी। भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सभी राज्यों में इंडी गठबंधन की दुर्गति हो रही है। सुधांशु त्रिवेदी ने स्वाति मालीवाल मामले में भी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब सरकार पर भी हमला बोला। पंजाब से बंगाल तक इंडी गठबंधन पूरी तरीके से ध्वस्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है इस चुनाव के अंतिम चरण आते आते। दूसरा एक विषय यह भी कि पंजाब में आपने देखा कि वहां सरकार के एक मंत्री बलकार सिंह का एक बहुत आपत्तिजनक वीडियो आया है, जिसमें उन्होंने एक लड़की के साथ बहुत आपत्तिजनक हरकत करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आप सोचिए, यह पार्टी वही है जो दिल्ली में अपनी महिला सांसद को मुख्यमंत्री आवास में दुर्व्यवहार करती है और उसके बाद निर्लज्जता के साथ उसका चरित्र हनन करती है, और इसी सरकार का मंत्री पंजाब में इस प्रकार की हरकत करते हुए दिखाई पड़ता है, और उसके बाद भी ये सब लोग अपने मुंह में दही जमाकर बैठे रहते हैं। मुझे लगता है कि पंजाब की जनता इस पूरे विषय को ध्यान में रखते हुए संवेदना के साथ और प्रबलता के साथ इसका सही उत्तर देगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने साक्षात्कार में और अपने उद्बोधन में यह बात कही है
कि पंजाब में जो सरकार आई है वो एक प्रकार से अर्बन नक्सल माइंडसेट की सरकार है। इसीलिए जब से यह सरकार आई है पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हुई है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहां पर। जीरा से प्यास बुझाएं, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। किसानों को जारी रहेगी 6,000 रुपए की सम्मान निधि, यह है मोदी की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमृतसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि किसान अपनी जमीनें बेचकर बच्चों को विदेश भेज रहे हैं ताकि बच्चे नशे की लत में ना पड़े। इसके अलावा उन्होंने हाथ बदलेगा हालात में 25 गारंटी और 10 किलो मुफ्त अनाज लोगों को देने की बात भी कही। किसान अपनी जमीन बेचकर अपने बच्चों को विदेश भेज रहे हैं इस डर से कि वो नशे की लत में ना पड़े और हर व्यक्ति पलायन करने को मजबूर है क्योंकि रोजगार के कोई नए साधन उपलब्ध नहीं है। ये हाथ बदलेगा हालात, इसमें हमने इस 5 न्याय को 25 उसमें गारंटी हमने दी है, तो ये 25 गारंटी, उसके अलावा 10 केजी फ्री अनाज लोगों को हम देंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पीएम मोदी के 400 पार के बयान पर कहा कि पहले उन्होंने 400 पार कहना शुरू किया, फिर कहना बंद हो गया, अब फिर से बोल रहे हैं जनता ऐसी राजनीति से थक गई है। देखिए, उन्होंने शुरू किया 400 पार कहना, फिर बंद हो गया, उसके बाद उन्होंने बोला ही नहीं, अब फिर से बोल रहे हैं। अब उनका मन बदलते रहता है, वो क्या किस आधार पर कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम। मैं तो इतना जानती हूँ कि जनता थक गई है इनकी राजनीति से, जनता थक गई है ये सब बातें सुनने से। जनता चाहती है कि महंगाई पे बात हो, बेरोजगारी पे बात हो, जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं उनकी बात हो। यहाँ हिमाचल में देखिए क्या क्या किया है इन्होंने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चुनाव अभियान के समापन पर 30 मई से 1 जून तक कन्याकुमारी का दौरा करेंगे। पीएम कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल का दौरा करेंगे और 30 मई की शाम से 1 जून की शाम तक ध्यान मंडपम में उसी स्थान पर दिन रात ध्यान करेंगे जिस जगह पर स्वामी विवेकानंद ने ध्यान किया था। बता दें कि कन्याकुमारी वही स्थान है जहाँ स्वामी विवेकानंद को भारत माता के दर्शन हुए थे। कहते हैं कि जिस तरह से सारनाथ गौतम बुद्ध के जीवन में विशेष स्थान रखता है, वैसे ही ये रॉक स्वामी विवेकानंद के जीवन में भी खास महत्व रखता है। स्वामी विवेकानंद देश भर में घूमने के बाद यहीं पहुंचे और 3 दिनों तक तपस्या की और विकसित भारत का सपना देखा। उसी स्थान पर ध्यान करना स्वामी जी के विकसित भारत के दृष्टिकोण को जीवन में लाने के लिए पीएम मोदी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके अलावा देवी पार्वती भी इसी स्थान पर एक पैर पर खड़े होकर भगवान शिव की प्रतीक्षा करती रहीं। ये भारत का सबसे दक्षिणी छोर है। इसके अलावा ये वो स्थान है जहां भारत की पूर्वी और पश्चिमी तटरेखाएं मिलती हैं। ये हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का मिलन बिंदु भी है। पीएम मोदी कन्याकुमारी जाकर राष्ट्रीय एकता का संकेत दे रहे हैं। ये तमिलनाडु के प्रति प्रधानमंत्री की गहरी प्रतिबद्धता और प्रेम को भी दर्शाता है कि वो चुनाव खत्म होने के बाद भी राज्य का दौरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार के अंत में आध्यात्मिक यात्राएं करने के लिए जाने जाते हैं। इसी कड़ी में पीएम मोदी ने 30 मई को कन्याकुमारी जाने का अपना कार्यक्रम रखा है और 1 जून तक वो वहीं रहेंगे। 2019 में पीएम ने केदारनाथ का दौरा किया था और उससे पहले 2014 में उन्होंने शिवाजी के प्रतापगढ़ का दौरा किया था।
एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं। 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे, ये है मोदी की गारंटी। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं, बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूले, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब आगे बढ़ते हैं। भाजपा नेता शाजिया इल्मी ने बलकार सिंह मामले में कहा कि लोगों को घरों से बाहर निकलना चाहिए था। उन्होंने कहा कि मंत्री का चेहरा इतना साफ है लेकिन वीडियो बहुत घिनौना है जो देख भी नहीं सकते। इसके अलावा शाजिया इल्मी ने केजरीवाल पर तंज कसते हुए सवाल उठाया कि केजरीवाल के साथ बलकार सिंह प्रचार के लिए घूम रहे हैं, क्या अरविंद केजरीवाल को इस पर संज्ञान नहीं लेना चाहिए था। उन्होंने आगे कहा कि विभव कुमार को जैसे संरक्षित किया जा रहा है, ऐसे ही बलकार सिंह का महिमा मंडन किया जा रहा है। इतना घिनौना ये वीडियो है कि मुझे लगता है अब तक इस पर हाहाकार होनी चाहिए थी। पंजाब में जो भी लोग हैं, परिवार वाले, घर वाले, आम नागरिक, उन सबको बाहर निकलना चाहिए था। ये इस वीडियो में जिस तरह से एक शोषण किया जा रहा है कि 21 साल की लड़की का जो नौकरी के लिए गई है, और किस तरह से केंद्रीय मंत्री जिनकी शक्ल साफ है लेकिन इतना घिनौना ये वीडियो है कि आप देख भी नहीं सकते। ये शख्स जो कि मंत्री हैं, जो MLA हैं, बाकायदा सुल्तान केजरीवाल जी के साथ घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, रैलीज में दिख रहे हैं, खुद कह रहे हैं मुझे इस वीडियो के बारे में पता नहीं है। लेकिन मेरा सवाल ये है और मेरी ये मांग है, क्या अरविंद केजरीवाल को इस पर संज्ञान नहीं लेना चाहिए था? क्या उनको फौरन इसको सस्पेंड नहीं करना चाहिए था? जिस तरह से विभव, जो बाकायदा हाथापाई करता था और की है स्वाति मालीवाल के साथ, जिस तरह से उसको संरक्षित करने के लिए घूम फिर रहे हैं, वैसे ही इसका भी महिमा मंडन कर रहे हैं। एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की, आर्थिक जगत की सुर्खियां, आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण, देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 सिर्फ DD News पर। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बहाना नंबर 11, नींद पूरी करने का डे। बहाना नंबर 28, ट्रिप पर जाने का डे। 39, बिंज वॉच ऑल सीजंस। 65, घर की सफाई का डे। एक वोट ना डालने से क्या होगा? और सबसे बड़ा बहाना, इजन इट अ हॉलिडे टुडे? हॉलिडे? 101 बहाने हैं वोट ना डालने के, पर इस चुनाव के पर्व में एक ही रीजन काफी है वोट डालने का, वो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देश और हमारे फ्यूचर के लिए। तो चलो सब मिलकर मनाते हैं इस चुनाव के पर्व को गर्व के साथ। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद, असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी ने राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। शहर में खस्ताहाल सड़कों को लेकर बेंगलुरु के बैनर तले विरोध प्रदर्शन किया गया। बेंगलुरु में ऐसे लोग हैं जो सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं। जब से नई सरकार आई है तब से बेंगलुरु के विकास के लिए एक रुपया भी नहीं दिया गया है। कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा अहम मुद्दा है जिसे
भाजपा ने विरोध प्रदर्शन के दौरान उजागर किया। भाजपा नेताओं ने कहा कि विरोध प्रदर्शन बेंगलुरु के लोगों को न्याय दिलाने के लिए है। प्रदर्शन को लेकर भाजपा नेता और पूर्व मंत्री डॉक्टर अश्वनारायण से खास बात की हमारी संवाददाता आयशा खानम ने। कांग्रेस सरकार संपूर्ण बेंगलुरु का विरोध है, निर्लक्ष कर रहा है, संपूर्ण बेंगलुरु को निर्लक्ष कर रहा है। देयर इज नो डेवलपमेंट, कंप्लीट लैंड ऑर्डर फेल्यूर, ओनली दे हैव बीन लिविंग, ओनली टैक्सेस आर इंक्रीजिंग बाय 100%, नो डेवलपमेंट, इट इज बिकम अ पॉटल बेंगलुरु, गार्बेज बेंगलुरु, lawlessness Bangalore. In the 1 year, because of the fight between the Chief Minister and the Deputy Chief Minister, Bangalore has been completely ignored. Corruption bhi bada hota hai, kyunki the next leader ne kaha 100% corruption. Chalte ek adhikari ne aatmahatya kar li. See, not in the history of government, any government, probably a government officer committing a suicide, blaming a minister, blaming the government, blaming their senior IAS officer that he was harassed mentally, so that my death, at least my death, will bring out the truth. When at least in my dying declaration, I want to expose, for that I have to give up my life. Even though my family has suffered, my family has been suffering, even though I am giving up my life for one cause, to make this government accountable, this minister accountable, this shameless government should wake up, ensure whoever has been involved in this scam should be immediately arrested, immediately action. Even now they are sleeping. They are known for sleeping. This chief minister, this government is a sleeping government, shameless, no ethics, no morals, no responsibility, no accountability, no transparency. Completely, it is anti-people, looting government, ATM government. Immediately, they should, either if he has got some respect for law, immediately the CM should resign. Karnataka mein sarkar ka Congress sarkar ke dauran jo bhrashtachar chal raha hai aur ek varish adhikari ne aatmahatya kar liya hai, iske baad se yahan par jo kanun vyavastha hai puri tarah se bikharti hui nazar aa rahi hai. Yahi wajah hai ki vipaksh maang kar raha hai ki mukhyamantri agar in tamam cheezon par niyantran nahi kar pate to wo istifa de de. Cameraman Vinod ke saath Aisha Khanam, DD News, Bangalore. अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। जहानाबाद संसदीय क्षेत्र में 1 जून को मतदान होना है। हमारे संवाददाता कुमार आलोक ने जहानाबाद संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं से उनकी समस्याओं और अपेक्षाओं को लेकर विशेष बातचीत की। बिहार में 7वें और अंतिम चरण का मतदान 1 जून को होगा। हालांकि पूरे देश में 7वें चरण का जहां जहां मतदान होना है वो 1 जून को होगा। और हम अभी अरवल जिले में हैं। ये जिला कभी नक्सल प्रभावित था और यहाँ बड़े बड़े नरसंहार हुए थे, काफी भयानक नरसंहार यहाँ पर हुए थे। और ये जो जिला था एक प्रखंड था और इसी नरसंहार की वजह से इसको जिला बनाया गया। और ये जहानाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का पार्ट है। आप देख सकते हैं कि हम सड़क पे अरवल जिले में निकल रहे हैं। गाँव वाले का जो मुख्य मनोरंजन का साधन है वो ताश खेलना होता है और खाली जो वक्त उनके पास रहता है तो वो उसमें ताश खेलते हैं। लेकिन हम यहाँ पर जानेंगे पोलिटिकली इस जहानाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में कौन सी ऐसी समस्याएँ हैं, कौन सा ऐसा या पॉलिटिकल स्थिति यहाँ पर क्या है। सर आप बताएंगे यहाँ की समस्याएं क्या है। समस्याएं तो बहुत तरह के है, लेकिन काम यहाँ के एमपी जो जितने रहे हैं उन लोग कुछ ध्यान नहीं दिए हैं, फेंका हुआ सीट है। लेकिन पार्टी के नाम पर, आज मोदी के नाम पर लोग वोट तो उन्हीं को देता है लोग। और प्रतिनिधि तो कोई भी जीत के जाता है सो आता नहीं है। आज तक यहाँ के जो एमपी गए हैं उनका हम चेहरा नहीं देखे हैं, 5 बरस हो गया। लेकिन हम लोग तो मोदी जी के नाम पर वोट देंगे, अब उन्हीं को देंगे। किसी के भी सरकार बने सबसे पहले युवा के बेरोजगारी दूर हो जाए। इस लोकसभा क्षेत्र में 2 जिला है, जहानाबाद और अरवल। अरवल में कोई भी डिग्री कॉलेज नहीं है और हमारे क्षेत्र में महिलाओं के लिए कोई कॉलेज नहीं है, उच्च शिक्षा का कोई व्यवस्था नहीं है, अच्छे अस्पताल नहीं हैं और यहाँ पे लोकल वर्कर को काम करने की बहुत सारी परेशानियाँ हैं। ये सब दूर हो, यही सब मुद्दा रहेंगे। युवाओं की यही कि लोग इतना पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद भी मतलब बेरोजगार घर पर बैठे हुए हैं। इतना पढ़ाई में भी खर्च कर रहे हैं, टाइम भी दे रहे हैं, उसके बावजूद भी किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है। यहाँ के लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम लोग नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट कर रहे हैं। लोकल कैंडिडेट से जरूर खपा है, जो इंडिया के कैंडिडेट है यहाँ पे चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री मोदी को बनाना ही नहीं तो ये लोग मन बना चुके हैं कि आने वाले चुनाव में हम नरेंद्र मोदी का समर्थन करेंगे, बीजेपी का समर्थन करेंगे। जैसा कि आपने सुना, कैमरामैन ललित के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, अताउल्ला, अरवल।
एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं, बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो। पर दी देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। RBI कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। पाव भाजी, पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। MDH बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण बात, देश के प्रख्यात विशेषज्ञों के साथ व्यस्त जीवन में रखें अपने स्वास्थ्य का ध्यान। सेहत के लिए जरूरी है पोषण, साथ ही रोजाना करे व्यायाम। कैसे हो रोग के लक्षणों की पहचान, बीमारियों की कैसे करें रोकथाम। यदि आप हैं किसी रोग से परेशान, फोन और ईमेल के माध्यम से पूछें अपना सवाल, विशेषज्ञों से मिलेगा सही समाधान। देखिए स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम टोटल हेल्थ हर शनिवार और रविवार सुबह 8:30 सिर्फ DD न्यूज पर। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर हमले से संबंधित मामले में CBI ने 7 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। चार्जशीट में शाहजहां शेख और उसके भाई समेत कुल 7 आरोपियों के नाम हैं। CBI ने शेख के खिलाफ बशीरहाट विशेष अदालत में ये चार्जशीट दाखिल की है। 5 जनवरी को पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये के राशन वितरण घोटाले के सिलसिले में शेख के घर पर छापेमारी की गई थी। उस वक्त पर ED की टीम पर हमला हुआ था। अब तक की जांच के अनुसार CBI ने आरोपियों के खिलाफ IPC की विभिन्न धाराओं और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में आरोप पत्र दायर किया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली की मंत्री आतिशी को मानहानि मामले में समन जारी किया है। दिल्ली भाजपा के मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर ने आतिशी और मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ मानहानि याचिका दायर की थी। कोर्ट ने आतिशी को 29 जून को तलब किया है। गौरतलब है कि आतिशी और अरविंद केजरीवाल द्वारा भाजपा पर आम आदमी पार्टी के विधायकों को पैसे देकर तोड़ने का आरोप लगाया था, जिसके खिलाफ प्रवीण शंकर कपूर ने मानहानि की याचिका दाखिल की थी। आप नेता आतिशी को आज कोर्ट से समन मिलने के बाद नई दिल्ली की लोकसभा सीट से BJP उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने कहा कि भाजपा पर बिना किसी तथ्य के आरोप लगाने के बाद आप नेता को अब 29 जून को जवाब देना होगा। आम आदमी पार्टी की पुरानी आदत रही है शूट एंड स्कूट, कोई भी झूठ मनगढ़ंत आरोप आप लगा दीजिए, असत्य का सहारा बार बार ये पार्टी लेती रहती है और इनको लगते हैं कि उसके कोई परिणाम नहीं होंगे, उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है। लेकिन आज मैं कहूंगी सख्त मेव जयते। ACMM राउज एवेन्यू ने माननीय मंत्री आतिशी जी को आज समन करा है 29 जून के लिए एक मानहानि के केस में, जहां पर आकर उनको अब जवाबदेही देनी पड़ेगी। उनका जो 27 जनवरी 2024 का ट्वीट है उस पर भी, और जो 2 अप्रैल को इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पे बिना किसी तथ्यों के मनगढ़ंत आरोप जो इन्होंने लगाए थे कि इनको भी ऑफर मिला है भाजपा ज्वाइन करने का, अब इनकी जवाबदेही बनती है। आम आदमी पार्टी की नेता और मंत्री आतिशी को मानहानि केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने समन भेजा है। कोर्ट के इस फैसले के बाद दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जब जब किसी भ्रष्टाचार या मुसीबत में पड़ते हैं
तब वो नया राग अलापते लगते हैं और कहने लगते हैं कि मेरी सरकार को गिराने का प्रयास किया जा रहा है, मेरे विधायकों को खरीदा जा रहा है, मैंने आम आदमी पार्टी के लगातार झूठ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई प्रारंभ कर दी है, अब इनको कोर्ट में आकर जवाब देना पड़ेगा, विधायकों को किसने प्रलोभन दिया। अरविंद केजरीवाल जब जब किसी भ्रष्टाचार में फंसते हैं या जब जब किसी मुसीबत का सामना आता है तो सिर्फ एक ही गाना गाते हैं, मेरी सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है, मेरे विधायकों को खरीदा जा रहा है। और गत अप्रैल में भी उन्होंने इसी तरह का सोशल मीडिया पर आरोप लगाया था और उनकी मंत्री आतिशी मार लेना ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि मुझे भी ये ऑफर आई है। हमने उसी दिन उनको एक नोटिस भेजा था, मानहानि का नोटिस, और कहा था कि समयबद्ध तरीके से माफ़ी मांगिए अन्यथा हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, लेकिन उन्होंने इसके लिए माफ़ी नहीं मांगी। और आज जब हमने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है, मुझे खुशी इस बात की है कि माननीय न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए इन दोनों को कानूनी नोटिस जारी किया है। अब इनको कोर्ट में आके जवाब देना पड़ेगा कि बताइए किसने आपको प्रलोभन दिया था। इनके झूठ का भी पर्दाफाश होगा और इनकी हकीकत भी सामने आएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, आरजेडी और कांग्रेस की सरकार ने बिहार में पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। पीएम मोदी आपको डिजिटल युग में ले गए हैं, लेकिन लालू यादव आपको आज भी लालटेन युग में ले जाना चाहते हैं। 14 के पहले के भारत में पहचान का संकट कांग्रेस ने खड़ा किया था। बिहार के अंदर आरजेडी ने आपके सामने पहचान का संकट खड़ा किया था और 2014 के बाद का भारत दुनिया के अंदर सम्मान प्राप्त कर रहा है। 2014 के पहले के भारत में सुरक्षा की समस्या थी, सीमा खतरे में थी। 2014 के भारत में 2014 के भारत में सीमाएं सुरक्षित हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त हुआ है। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी के एक 24 कैडेटों का दल माउंट कांगयात्से के पर्वतारोहण अभियान पर जा रहा है। इस दल को एनसीसी महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरुबीर पाल सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एनसीसी के इस पर्वतारोहण अभियान में 12 छात्रा और 12 छात्र कैडेट शामिल हैं। ये कैडेट लद्दाख में 20,000 से ज्यादा ऊंचाई वाली कांगयात्से चोटी को फतह करेंगे। एनसीसी के इस पर्वतारोहण यात्रा को लेकर हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने की एनसीसी महानिदेशक और कैडेटों से खास बातचीत। एनसीसी के 24 कैडेटों का एक दल लद्दाख जा रहा है, किस तरह का रहेगी इनकी ये पर्वतारोहण यात्रा, इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह सर। ये एनसीसी की फ्लैग ऑफ सेरेमनी है माउंट कांगयात्से 2 के लिए, जो 20,000 से फीट की ऊपर की ऊंचाई के लिए है। और 12 बॉय कैडेट्स, 12 गर्ल कैडेट्स जिन्होंने कोर्स क्वालिफाइड है और इन्होंने ट्रेनिंग करी है, उनको वो इस एक्सपीडिशन में हिस्सा लेंगे। और हमारे इंस्ट्रक्टर स्टाफ जो वेल ट्रेंड और एक्सपीरियंस्ड है वो भी इसका हिस्सा लेंगे। तकरीबन 45 दिन की ये एक्सपीडिशन होगी और ये प्री मानसून की हमारी पहली एक्सपीडिशन है और बहुत जोश है कैडेट्स में। दिल्ली में तापमान ने पसीने छुड़ा रखे हैं, लेकिन छात्र और छात्रा कैडेटों का हौसला कितना बुलंद है बात करते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बट विद द हेल्प एंड सपोर्ट ऑफ अ पीआई स्टाफ, मेडिकल स्टाफ एंड आवर सर्स एंड मैम, इट्स वंडरफुल। हम अपनी अच्छी ट्रेनिंग से गए हैं, हमने अपनी पूरी प्रैक्टिस की है, पूरा फिजिकल ट्रेनिंग करके जा रहे हैं, पूरी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ हम वहाँ जा रहे हैं। मैं खुद ही लद्दाख से हूँ और मुझे पता है कि वहाँ पर कैसे टेम्परेचर है, बट यहाँ एक्सपीडिशन करने के लिए हमें मौका मिल रहा है, वही बड़ी सबसे बड़ी बात है। हमें फिजिकली और मेंटली बहुत फिट किया जा रहा है ताकि कोई भी हमारे पास सिचुएशन आए सर हम लोग उनको टैकल कर सकें, एंड कोई भी पीक हो है उसको हम लोग अच्छे से स्केल कर सकें। कांगयात से एक बहुत डिफ़िकल्ट पीक है, बट हमें उसके लिए अच्छे से ट्रेन किया गया है और हम सक्सेसफुली सर सबमिट करेंगे सर। आई हैव फुल होप ऑन आवर पी आई स्टाफ, आवर ट्रेनिंग स्टाफ, एंड वी आर प्रीटी श्योर दैट वी आर गोना सबमिट द कांगयात्से पीक। माउंटेन्स जो है हमें एक चैलेंज देती है और हम चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं तभी हम माउंटेनियर कहलाते हैं। और सर हमारी जो टीम है सर उन्होंने हमें मेंटली और फिजिकली इतना फिट किया कि हम वो पीक बहुत अच्छे से और अपने टेक्निक से चढ़कर सर आपको इधर दिल्ली में फिर से मिलेंगे सर। इनका हौसला इतना बुलंद है कि उन्होंने कहा है कि वो कांगयात्से को फतह करके ही दिल्ली लौटेंगे। कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज दिल्ली।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पुणे कार दुर्घटना मामले पर कहा कि आरोपी कितना भी बड़ा हो कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, कानून के दायरे में सब एक समान होते हैं, जितने भी लोग इसमें दोषी हैं उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। पहले दिन से पुलिस कमिश्नर पूना इनके संपर्क में था, मैंने पहले दिन से कहा है आरोपी जो भी कितना ही बड़ा हो उसको कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, गरीब हो या अमीर हो कानून के दायरे में सब एक समान होते हैं और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, कठोर कार्रवाई कड़ी कार्रवाई करने की सूचना मैंने दी है। जो दो जो बच्चों की डेथ हुई है वो भी किसी के तो बच्चे हैं, तो इसके लिए जितने भी लोग इसमें दोषी हैं उनको कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने विभव कुमार को 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजने का आदेश दिया। दिल्ली पुलिस ने 5 दिनों की पुलिस कस्टडी की मांग की थी। दिल्ली पुलिस के वकील का कहना था कि इस बात की पूरी संभावना है कि विभव ने घटना का फुटेज डिलीट किया है, उसे दिल्ली से बाहर ले जाना है, इसलिए 5 दिन की कस्टडी जरूरी है। कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा है। अब 31 मई को विभव कुमार को पेश किया जाएगा। इससे पहले स्वाति मालीवाल से मारपीट केस में सोमवार को अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार की जमानत याचिका को 30,000 कोर्ट ने खारिज कर दिया था। दिल्ली दंगों से जुड़ी साजिश के मामले में आरोपी उमर खालिद को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कड़कड़डूमा कोर्ट ने आरोपी उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज कर दी है। बता दें कि दिल्ली में 2020 में हुए दंगों में साजिश रचने के आरोप में उमर खालिद को गिरफ्तार किया गया। खालिद की तरफ से अदालत के समक्ष दूसरी बार नियमित जमानत याचिका दायर की गई थी, जिसे अदालत की तरफ से एक बार फिर से खारिज कर दिया गया। मार्च 2022 में भी ट्रायल कोर्ट ने उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज की थी। अब कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशन जज समीर वाजपेयी ने भी उमर खालिद की जमानत की याचिका पर फैसला सुनाते हुए इसे खारिज कर दिया। तो एएसजे समीर वाजपेयी ने जमानत याचिका उमर खालिद की खारिज कर दी है और ये खालिद की ओर से दायर दूसरी नियमित जमानत याचिका थी जिसे खारिज किया गया है। अगली खबर की ओर चलते हैं। आप और केजरीवाल के खिलाफ दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर आदेश सुरक्षित रखा है। कोर्ट चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले में 4 जून को आदेश सुनाएगी। प्रवर्तन निदेशालय ने केजरीवाल और आप के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी। ईडी की ये 8वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट है। प्रवर्तन निदेशालय ने कालीन कारोबारी सज्जन कुमार की 11 करोड़ 20 लाख रुपए की संपत्ति को कुर्क किया है। ईडी के दिल्ली जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए 2002 के प्रावधानों के तहत ये कार्रवाई की है। ईडी ने कुमार और विभिन्न अन्य आरोपी व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ राजस्व खुफिया निदेशालय डीआरआई की ओर से दायर अभियोजन शिकायत के आधार पर जांच शुरू की। डीआरआई की अभियोजन शिकायत के अनुसार आरोपियों ने सऊदी अरब, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और अफगानिस्तान जैसे देशों में अत्यधिक इनवॉइस मूल्यों पर कालीन परिधान और कपड़े निर्यात करने पर अनुचित लाभ लिया। ईडी ने कहा इससे सरकारी खजाने को 32.25 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। भारत को वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा को 77वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा ने जिनेवा में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली समिति ए को संबोधित किया। अपूर्व चंद्रा ने कहा कोविड-19 महामारी में भारत ने दुनिया भर में दवाइयां और आवश्यक चिकित्सा उत्पादों की आपूर्ति की। उन्होंने कहा भारत ने महामारी में एक विश्व एक परिवार की भावना से काम किया। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में 3 मुख्य समितियां हैं, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली समिति यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, सार्वजनिक स्वास्थ्य जलवायु परिवर्तन WHO के लिए सतत वित्त पोषण आदि को कवर करने वाले विभिन्न कार्यक्रम संबंधी विषयों पर चर्चा की सहूलियत प्रदान करेगी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में पुस्तक विक्रेताओं के साथ मिलीभगत कर अभिभावकों को लूटने वाले निजी स्कूल और प्रकाशकों पर मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। पिछले 2 महीने से जबलपुर जिला प्रशासन द्वारा निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत
11 स्कूलों के संचालकों के खिलाफ न केवल FIR दर्ज की गई है बल्कि उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है। जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने बताया कि जबलपुर जिला प्रशासन के पास निजी स्कूलों की मनमानी, फीस वृद्धि और निश्चित दुकान से ही यूनिफॉर्म स्टेशनरी की खरीदारी का दबाव बनाने की शिकायतें आ रही थीं, जिसके तहत जिला प्रशासन ने जबलपुर जिले के सभी स्कूलों की जांच पड़ताल शुरू की। जांच में शहर के नामी 11 स्कूलों में बड़ी गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। जबलपुर के 11 स्कूलों ने 21,000 बच्चों से 81,30,00,000 रुपये की अतिरिक्त फीस वसूली की है। जबलपुर के 9 थानों में अब इन स्कूल संचालकों के खिलाफ केस दर्ज कर पूरे मामले में 80 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जबकि 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हमारी जो शिक्षा विभाग की टीम है, हमारी रेवेन्यू की टीम है, पुलिस की टीम है, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। 11 विद्यालयों की जांच हुई है, जिसमें 8 SDM और 12 तहसीलदार इस जांच कार्रवाई में लगे थे। शिक्षा विभाग के 25 अधिकारी इस कार्रवाई में थे। 60 अन्य विभागों के या इन्हीं विभागों के अधीनस्थ कर्मचारी थे। 5 बार हमने आकस्मिक छापे डाले, 50 से ज़्यादा बार स्कूलों में विजिट हुई और 2 खुली सुनवाई मैंने खुद ने की, जिसमें लोगों को सुना और उनका पक्ष जाना। नतीजा क्या निकला? नतीजा जो निकला, 81,30,00,000 की जो फीस है वो अवैधानिक रूप से वसूल की गई। इस फीस को वापस करने का निर्णय हुआ है और इसके साथ साथ हमने इन सारे 11 स्कूलों पर 22,00,000 का अर्थदंड भी अधिरोपित किया है। वहीं पूरे मामले पर SP जबलपुर ने कहा है कि अभी तक 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, पूरे मामले की जांच जारी है। 20 लोग हैं गिरफ्तार हुए हैं, बाकी जो आरोपी हैं उनके भी गिरफ्तारी के प्रयास किए जाएंगे, लगातार उसमें टीम्स लगेंगी। उसके अलावा क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी आगे चलनी है, बहुत सारे इसमें एविडेंसेज नए आने, जैसे साक्ष्य आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें 420, 409, 468 और 471 120B, इसमें कोई जवान भी नहीं है। केरल के कोची में मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ आ गई है। कोचीन शहर और एर्नाकुलम जिले में करीब 3 घंटे में 150 मिलीमीटर बारिश हुई। मौसम विभाग ने एर्नाकुलम और कोट्टायम में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। लगातार हुई भारी बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में जलभराव हो गया और यातायात अस्त व्यस्त है। कोची के इन्फो पार्क सहित IT कॉरिडोर क्षेत्र में पानी का निकास न होने के कारण भारी जलभराव की समस्या से लोगों को जूझना पड़ रहा है। वहीं असम के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी होने के बाद बुधवार 29 मई को वहां शैक्षणिक संस्थान बंद करने की घोषणा कर दी गई है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने एक्स पर पोस्ट कर यह जानकारी दी। बता दें कि नौगांव, हुजाई, पश्चिम कार्बी आंगलोंग, कार्बी आंगलोंग, गोलाघाट, दीमा हसाओ, कचार, हैलाकांडी और करीमगंज के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक इन जिलों में भारी बारिश के साथ 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका है। और इधर उत्तर भारत में गर्मी का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 24 घंटों में राजस्थान के फलौदी में सबसे अधिक तापमान 49.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि 30 मई तक राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। 24 घंटों में राजस्थान के अधिकतर भागों में हीट वेव और सीवियर हीट वेव दर्ज की गई है। सर्वाधिक अधिकतम तापमान एक बार फिर से फलौदी और बाड़मेर में रिकॉर्ड हुए हैं। सबसे ज़्यादा बाड़मेर में देखें तो 49.3, इसके अलावा फलौदी में भी 49.4 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है। सीवियर हीट वेव का दौर अब राजस्थान में अगले 1-2 दिन और ही जारी रहेगा। इसके अलावा 29-30 मई तक राजस्थान के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। यानी कि फिलहाल जहां पर अधिकतम तापमान 48 डिग्री से ऊपर रिकॉर्ड हो रहे हैं, 30-31 मई तक यहां तापमान 45 डिग्री या इससे नीचे रिकॉर्ड होने की प्रबल संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग ने देश के पूर्वी राज्यों में तेज बारिश की आशंका जताई है। IMD के मुताबिक बुधवार 29 मई को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इन राज्यों में IMD ने तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। राज्यों के कई इलाकों में
115.5 से 204.4 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अरुणाचल प्रदेश में बुधवार 29 मई और शनिवार 1 जून को बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। थार रेगिस्तान के विशाल इलाकों में रणबांकुरा डिवीजन के सैनिकों ने अभ्यास किया। अभ्यास अनंत दृष्टि के संचालन के दौरान रणबांकुरा डिवीजन की संचालनात्मक तैयारियों की समीक्षा की गई। अभ्यास के दौरान संयुक्त हथियारों का संचालन और भूमि और वायु संसाधनों का एकीकृत उपयोग नजर आया। इस अभ्यास में नवीन और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल कर विकसित की गई विभिन्न रणनीति, तकनीकी और प्रक्रियाओं की भी झलक दिखी। अभ्यास अनंत दृष्टि में आर्मी एविएशन और भारतीय वायुसेना के उपकरणों की सक्रिय भागीदारी देखी गई। सेना कमांडर ने रणबांकुरा डिवीजन के सभी रैंकों द्वारा प्रदर्शित दृढ़ संकल्प और कर्तव्य के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की सराहना की। उन्होंने सैनिकों की असाधारण संचालन की क्षमता और तत्परता की भी प्रशंसा की। बता दें कि अभ्यास अनंत दृष्टि का आयोजन 20 अप्रैल से 22 मई 2024 तक थार रेगिस्तान के विशाल इलाकों में रणबांकुरा डिवीजन के सैनिकों द्वारा किया गया। आज ज्येष्ठ मास का पहला बड़ा मंगलवार है। इस दिन विधि विधान से हनुमान जी की पूजा अर्चना करने और सुंदरकांड का पाठ करने का विशेष महत्व है। यूं तो भारत में हनुमान जी के कई मंदिर हैं, लेकिन यूपी की संगम नगरी प्रयागराज में इकलौता ऐसा मंदिर है जहां बजरंग बली की लेटी हुई प्रतिमा की पूजा की जाती है। आज बड़े मंगल के अवसर पर मंदिर को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया, साथ ही बजरंग बली की लेटी हुई प्रतिमा का भव्य श्रृंगार किया गया। ये दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां बजरंग बली आराम की मुद्रा में भक्तों को दर्शन देते हैं। इन्हें बड़े हनुमान जी, किले वाले हनुमान जी, लेटे हनुमान जी और बांध वाले हनुमान जी के नाम से जानते हैं। इस प्रतिमा को लेकर पौराणिक मान्यता है कि इनकी भुजा के नीचे अही रावण दबा है। आज ज्येष्ठ मास के पहले बड़े मंगलवार के अवसर पर संगम नगरी में पवन पुत्र के दर्शन और उनकी पूजा अर्चना के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। असम के गुवाहाटी में चक्रवात रेमल के प्रभाव के कारण मौसम में बदलाव देखने को मिला। आंधी तूफान ने क्षेत्र में जमकर कहर बरसाया। तूफान व बारिश से अनेक पेड़ भी उखड़कर जा गिरे, जिससे लोगों को समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। इंडिगो एयरलाइन की एक फ्लाइट में आज सुबह बम प्लांट होने की धमकी मिलने के बाद यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। फ्लाइट दिल्ली से वाराणसी जा रही थी। विमान को जांच के लिए दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आइसोलेशन बे में ले जाया गया। हवाई अड्डे के अधिकारी ने बताया कि एविएशन सिक्योरिटी, डॉग स्क्वाड और बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीमें मौके पर पहुंची और फ्लाइट का बारीकी से निरीक्षण किया, जिसमें कोई भी संदिग्ध सुराग सामने नहीं आया। एयरपोर्ट पर सारी परिस्थिति का जायजा लिया हमारे संवाददाता पराक्रम सिंह शेखावत ने। दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय विमानतल के टर्मिनल 2 पर मंगलवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब दिल्ली से वाराणसी जाने वाली फ्लाइट इंडिगो की 6E2211 इस फ्लाइट में टॉयलेट सीट पर किसी ने टिश्यू पेपर पर बॉम्ब लिख दिया। उसके बाद में इसकी जैसे जानकारी मिली, तत्काल कार्रवाई करते हुए सारे पैसेंजर्स को फ्लाइट से उतारा गया, इमरजेंसी गेट से उनको बाहर निकाला गया और पूरी तरीके से जाँच की गई। इस जाँच में कुछ भी सामने नहीं आया। उसके बाद यही फ्लाइट सुबह 10:30 बजे सभी यात्रियों को दिल्ली से वाराणसी की ओर ले गई। सूत्रों से मिली जानकारी में जो जानकारी सामने आई उसमें यह पता लगा कि बीते एक साल में इस तरीके की 50 घटनाएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन उसमें कुछ भी इस तरीके का सामने नहीं आया। बहरहाल जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो CISF की जो टीम है, जो ATS की टीम है, उसने सख्ती के साथ पूरी छानबीन की, प्रोटोकॉल के तहत जो कार्रवाई की जानी चाहिए वो पूरी कार्रवाई की और पूरी संतुष्टि मिलने के बाद फ्लाइट।
और इस वक्त एक जरूरी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। अपने बंगाल दौरे के दौरान पीएम मोदी ने कोलकाता में श्री श्री शारदा मायर बाड़ी मंदिर वो पहुंचे और वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की। तो आप ये दृश्य देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। अपने बंगाल दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने कोलकाता में श्री श्री शारदा मायर बाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार दिन भर प्रधानमंत्री विभिन्न जगहों पर रैलियां कर रहे थे और उसके बाद प्रधानमंत्री पहुंचे पश्चिम बंगाल के कोलकाता में श्री श्री शारदा मायर बाड़ी मंदिर और प्रधानमंत्री ने वहां पर पूजा अर्चना की। ये दृश्य हम आपको वहां के दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने वहां मौजूद जो सन्यासी हैं उनसे भी मुलाकात की। कोलकाता का श्री श्री शारदा मायर बाड़ी मंदिर ये है और यहां पर प्रधानमंत्री ने पूजा अर्चना की। तो चुनाव प्रचार के अपने व्यस्त कार्यक्रम से वक्त निकालकर प्रधानमंत्री पहुंचे कोलकाता में श्री श्री शारदा मायर बाड़ी मंदिर और वहां पर प्रधानमंत्री ने पूजा अर्चना की। ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री लगातार विभिन्न स्थानों पर रैलियों को संबोधित कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं और काफ़ी व्यस्त प्रधानमंत्री का आजकल कार्यक्रम है। और प्रधानमंत्री आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं, काफ़ी उनके दिन भर व्यस्त कार्यक्रम थे। कई जगहों पर प्रधानमंत्री ने रैलियां की हैं और अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री कोलकाता का ये प्रसिद्ध मंदिर है श्री श्री शारदा मायर बाड़ी मंदिर, वहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे और उन्होंने वहां पर पूजा अर्चना की। ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं और कोलकाता कुछ देर पहले प्रधानमंत्री पहुंचे थे, वहाँ पर प्रधानमंत्री ने श्री श्री शारदा मायर बाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की और वहाँ पर जो विभिन्न सन्यासी वहाँ पर मौजूद थे उनसे भी प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता के दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने श्री श्री शारदा मायर बाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की है अब से कुछ देर पहले, वहां के ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। और आज बंगाल के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री, कई जगहों पर प्रधानमंत्री ने आज रैलियां भी की हैं और अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री कोलकाता में श्री श्री शारदा मायर बाड़ी मंदिर पहुंचे और वहां पर प्रधानमंत्री ने पूजा अर्चना की। वो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर मौजूद सन्यासियों से भी प्रधानमंत्री ने मुलाकात की।